अरे रामना पड़ो राजीव राव की बात है। अरे लोहा जी वो मोहल्ले वाले बब्बन भैया है ना, कानपुर वाले। हाँ हाँ भाई सुना है कानपुर से अपनी भाभी को लेकर आ रहे हैं। अरे बहुत क्या रे राजीव राव। अरे लोहा जी बात ही कुछ ऐसी है, सुना है भाभी बहुत खूबसूरत है, जहाँ चलती है वहाँ आग लगा देती है, हम तो पानी भी लेके बैठे हैं बुझाने के लिए। अच्छा जी ऐसी बात है, हम भी देखेंगे। आपके पैर रही ऊपर से नीचे तक कह रहे हो क्या? बोले भैया हमारी जो मर्जी, हम जो मर्जी पहने। एकदम सही बोली कानपुर वाली भाभी, सही तो बोली है। अरे रे 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 भैया, हम चाहे जो मर्जी पहने, चाहे दिन में आए रात को जाए, रात को आए दिन में जाए, बाबा का राज है। बिल्कुल हमारे बाबा ने जो ये माहौल दिया है ना देश को, बस यही बात है। न्यूई तुम इतनी अच्छे खुले में घूम रही हो, अगर रात के 7-8 बजे भी तुम आराम से निश्चिंत हो। क्या बुलबुल कैसे बोल रहे हो तुम? कानपुर वाले भाभी तुम बिल्कुल सही बोल रहे, मर्द लोग ना बुरा गए, सबका दिमाग खराब हो गया है। दीदी ने भी बोल दिया है कुछ पहनो, हिजाब पहनो चाहे बिकिनी पहनो, महिलाएं हैं कुछ पहन सकती है, अपन मर्जी है। वैसे भी देख लिया ना तुम लोग को, बाबा भी कुछ ना कर सकता और साइकिल पे चले गए नहीं, अब खान आती वाले तुमने जो मन तौन पहने, बाबा के ऊपर जो बाबा बैठा है ना, कर्नाटक में जो चीज हुआ है पहनने को लेके हिजाब वाला, हाँ तो तुम लोग किए हो खेला। अच्छा बहुत गलत किए हो, क्या कर दिया भाई? क्या हुआ भाई ये बताओ, बच्चियां जा रही है पढ़ने, तुम लोग पढ़ने पहनने भी नहीं दोगे ठीक से? बताओ वो सब हिजाब पहनी हुई है, तुम लोग पता नहीं क्या क्या नारा लगवाते हो, लगते हो दुपट्टा लेके पता नहीं क्या क्या करने, भगवा तुम लोगों को मिला है पहनने। अरे भैया इतना ना बोलो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसकी जो मर्जी जो जो पहनना चाहे वही पहनेगा। हम भी सुनो भाई मेरी बात, अब हम लोग मेरी बात तो सुन भाई। हाँ गुड्डू भैया तब बताइयो, मैं गलत तो ना कह रहा? बिल्कुल ना बताइए। जो हिंदुस्तान भरा देश ऐसा है, अखिया हर धर्म को सम्मान है, और नहीं। और भाई हम दिल से कह रहे हैं थाली जो मर्जी तुम पहरो, जो मर्जी करो, जो मर्जी जहाँ चाहे थाला जी करता हो जाओ, पर भाई न्यू तो देखो तुम कॉलेज में और स्कूल में भी अब हिजाब लपेट लपेट के जाओगे है, तुम न्यू तो सोचो कल को थारी थारे हक की छोरी पुलिस में होगी, आर्मी में होगी, डॉक्टर बनगी, वहां भी तुम उन्हें हिजाब पर आके भेजोगे यूनिफॉर्म पे? यूनिफॉर्म बड़े का ही क्या है भाई, यूनिफॉर्म क्या चीज है? यूनिफॉर्म का मतलब गुड्डू भैया ने नू तो समझाओ, यूनिफॉर्म का मतलब ये है अब भैया अनुशासन में रहो बालक, नू पता ना चले कौन हिंदू का कौन मुसलमान का, जाति धर्म जात पात सब से हटा दे। और तुमने ओके काम करा, अब वहां लोंडियों को हिजाब पर आके भेज दिया। अरे थारा जी कर दो कल को तुम दाढ़ी बढ़ा के रख लियो, तुम डॉक्टर बन गए, दाढ़ी बढ़ा लियो, ऊंचा पजामा पहन लियो। सुनो लोहा सिंह जी, ये बात थी तुम्हारे बाबा जौन बोलेंगे जौन करेंगे उस हिसाब से होगा, नाम पलटी करवा देते हैं, गाड़ी भी पलटी करवा देते हैं। बताओ कब वो नाम तुम कुछ और रखते हो बाद में कुछ और हो जाता है, उसके बाद तुम कहोगे मटर खाओ तो हम लोग मटर खाएंगे, हम लोग का मन करेगा आलू खाने का तो हम लोग आलू खाएंगे। मेरी माई तो विजिट बिरयानी खा और रोज खा, भारत में जो फर्क पड़ता हो, हम तो नहीं करें ये झूठे अटकंडों से देश का माहौल बदल बिगाड़ो। झूठे कहाँ मिलेगी, साइकिल मिलेगी, हमें तो ना पता कि भगवा मिलेगा कि हाथ मिलेगा, अब तुम ही बताओ भैया। हमारी तो सरकार जब आएगी तो हम तो लैपटॉप देंगे आपकी दुनिया को। अरे हमारी लैपटॉप तो तू दे देगा, तुझे भी आ रहा लैपटॉप चलाना? कोई पूछ ले गुड्डू भैया इसे भी लैपटॉप चलाना आ रहा है यो क्या? सारी जिंदगी से डॉक्टरों के पीछे 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 चलते होगी, अब यो लैपटॉप वाला बन गया। तुम्हारे बाबा घंटी बजाते बजाते बाबा घंटी ना बजाते
पक्ष में किसके हो? तुम्हारी बता भाभी, हमने 100 नंबर डायल पे दिया चलवाया, लैपटॉप तक बटवाए, तुम्हारी सुरक्षा में हम लोग वे 100 नंबर की गाड़ी डागरा को ढूंढने जा रही थी। आजम खान की बहस होगी भैया, ढूंढ लो। उसका भी तुमने नामकरण करके 112 कर दिया। 112 तो नु करना पड़ा कि जब तुमने माहौल ही बिगाड़ दिया। 100 नंबर और जो पुलिस का नंबर था, जब तुमने उसे डागरा को ढूंढने का नंबर बना दिया तो हम क्या करते? अच्छा ये कैसे हो गया? नंबर तू भी तो बोल रहा है। ये पान है, इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है, ये कोई नहीं बता सकता। क्या हिंदू मुसलमान तुम कर रहे हो? कोई हिजाब पहने या कोई साड़ी पहने, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात हो रही है, हर जगह का एक अनुशासन होता है, उसमें यूनिवर्सिटी है या स्कूल है या दफ्तर है, जिस जगह पर उसका ड्रेस कोड है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी का धर्म पता ना चले। तो ऐसे में उस जगह की जो मर्यादा है उसको मानना चाहिए। अरे वो कानपुर वाली भाभी, हाथ को भूल गई का? हाथ आएगा, दीदी का आशीर्वाद रहेगा, सब अच्छा होगा। 70 साल से आशीर्वाद देने लग रहे हैं पब्लिक को, ठेंगा दिखा दिखा के यही बात कर रहे हैं कुप्पू। भाभी थोड़ी सलाह नाना से भी ले लो, थोड़ी बहुत अकल तो हम भी रखते हैं। अरे छोड़ो नाना। अरे भाभी पान तो ले जाओ, ये पान बन गए हैं भाभी, देखो बिना पान लिए चली गई। लेकिन आप लोगों को 10 तारीख को जरूर जाना है वोट डालने के लिए, क्योंकि हर एक वोट कीमती होता है। आपको देखना है कि आने वाले 5 सालों में काम कौन करता है, उत्तर प्रदेश का भविष्य कौन निखारता है, इसलिए वोट जरूर डालना है। और हाँ, लल्लन भैया के बातों में नहीं आना है, ना ही लोहा जी की बातों में आना है। वोट वही डालिए जहाँ आपका दिल कहे। तो दोस्तों वोट जरूर डालना, और वोट डालने के बाद एक पान मेरा भी खा लेना, बाकी आएगा तो।